तो आज मैंने माइनक्राफ्ट में एक न्यू सा मॉड इंस्टॉल किया है। देखते हैं इस मॉड के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इस मॉड के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें को रियलिस्टिक करने ट्राई किया, सिर्फ शेडर पैक कर गया है। और हाँ, इसमें एक चीज़ मुझको बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि विलेजर वैसे के वैसे ही हैं। और हाँ, इसमें पत्तियों का डिज़ाइन और कुछ न्यू बायोम्स और कुछ न्यू स्ट्रक्चर भी ऐड हो चुके हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लगते हैं। और हाँ, ये देखो शेद वाली छत, और बारिश के टाइम इसमें से पक्का पानी आएगा। और इसमें एक और न्यू चीज़ ऐड हुई, इसमें ग्रेविटी भी ऐड हो गई, जैसे हम ट्री को कट करेंगे वो उसी समय नीचे गिर जाएगा। और हाँ, ट्री को नीचे गिरने के बाद हमको न्यू चीज़ मिलती है जिसमें का नाम है स्प्रूस कोन, जो देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। और ये हमारे डेकोरेशन के भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, और ये देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। और ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं जिस मॉड के अंदर मैंने ऐड की हैं, जो कि आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देती हैं। और ये अलग बायोम में अलग अलग होती हैं, जिससे कि गेम और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाती है। और हाँ, इसमें ब्रिजेस भी हैं जो कि आपकी गेम को और ज़्यादा अच्छा बना देगी, और देखने में भी बहुत ज़्यादा गेम आपकी अच्छी लगेगी। और ये एक तरह के नहीं, बहुत सारे तरह के, ये देखो ये कितने तरह के होते हैं। ये इसमें से बैम्बू, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। ये देखो इसमें हर एक चीज़ के प्लेस करने की आवाज़ बिल्कुल ही अलग अलग है। और हाँ, इसमें एक और नई चीज़ है जो कि यमराज की तलवार, बस इसका एक ही काम है, ये लिटरली कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ये एक का डैमेज देती है भाई साहब, एक का लिटरली। इसे तो अच्छा मैं अपने हाथ से मार दूंगा। और हाँ, इसमें कुछ और न्यू मॉब्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि डियर, जो कि आपके गेम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर देता है, और जो कि गेम देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और यहीं तक नहीं, अगर आप इसके मतलब के बेबी डियर देखोगे तो वो भी देखने में कितना क्यूट लगता है। और हाँ, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी और कुछ डरावनी भी, जैसे कि ये काऊ, लिटरली ये आपको नहीं बताऊंगा, नहीं करके देखूंगा। ये देखो, ये मैंने अभी गेम कर दिया अपना गेम मोड सर्वाइवल, और ये देखो अरे भाई साहब क्या भाग कर आती है। और ये देखने में कितना लिटरली कितना डैमेज करते हैं। कभी आप काऊ के हाथ से मरे हो, इन्फेक्टेड काऊ है। आज के बाद माइनक्राफ्ट में कभी किसी काऊ से पंगा मत लेना, वरना ये हाल होगा। और इस मोड के अंदर आपको लिटरली कहीं भी ये नेदर पोर्टल एक्टिवेट मिल जाएगी, जो कि इस गेम को और ज़्यादा हॉरर बना देती है। और आपने क्या कभी नेदर में पानी देखा है? तो ये देखो, एक मिनट, ये देखो भाई, आप लिटरली फिर भी वाटर नेदर में प्लेस नहीं कर सकते, पर आपको कहीं जगह पर फिर भी ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जिसमें नेदर के अंदर वाटर मिलेगा। और इसके अंदर लिटरली इसके अंदर अंधाधुंध लूट पड़ी होती है। अगर आपने कई एक बार भी इसको ढूंढ लिया तो आप माड़ा माड़ हो जाओगे। पर इसमें एक खतरा है कि इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा स्पॉनर, कम से कम 20 से 25 स्पॉनर लगे होते हैं, जो कि आपको मारने के लिए काफ़ी हैं। और इसके अंदर आपको मिलेंगी पेपर की लैंप और पेपर का ही वॉल, जो कि आपको और ज़्यादा डेकोरेशन करने में मदद करेंगे। और ये प्लेस करने के बाद भी कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर इस मॉड का आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट में लिंक स्पैम कर सकते हो।